मोदी जी नमस्ते। जी तेजस्वी सूर्या नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, आप मेनी टाइम्स यू हैव सेड दैट इन आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजनीतिक हिंसा के लिए जगह नहीं है, पर हम ये देख रहे हैं कर्नाटका में भी पुराने 4-5 ईयर्स से बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं का हत्या हो रहा है राजनीतिक कारण के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं मोदी जी? आप तो स्वयं ही सूर्या है और तेजस्वी भी है। मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता को राजनीतिक हिंसा की चिंता है। मैं समझता हूं ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संतोष का विषय है कि मेरी पार्टी में ऐसे नौजवान है जो लोकतंत्र के लेटर एंड स्पिरिट में समझ रखते हैं, हिंसा के प्रति उनको चिंता है, नफरत है। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में, हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में, लोकतंत्र में वाद हो, विवाद हो, चर्चा हो, आक्षेप हो, प्रतिआक्षेप हो, ये सारी बातें लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लोकतंत्र में हिंसा को कभी भी कोई स्थान नहीं है। और जब इंसान अपने पर से भरोसा खो देता है, जब उसको लगता है कि इसके पास न तर्क है, न हकीकत है, न सत्य कहने का सामर्थ्य है और न ही सत्य को स्वीकारने का सामर्थ्य है, तो स्वाभाविक है कि वो राजनीतिक दृष्टि से हिंसा का मार्ग अपनाता है। और इन दिनों हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रवादी विचार को लेकर के जीने वाले नौजवानों को सबसे ज्यादा उसका शिकार किया जा रहा है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस प्रकार से व्यापक रूप से देश में हिंसा का दौर चला था, तब से लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीतिक प्रकृति का हिस्सा बनता जा रहा है। मैंने त्रिपुरा में चुनाव में देखा था, पोलिंग के एक दिन पहले तक हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, पेड़ पर फांसी देकर के लटकाया जा रहा था। केरल में मैंने देखा, कर्नाटका में हमारे एक दलित युवा कार्यकर्ता, उसको गरम तेल के अंदर डुबो करके उसको जला दिया गया। ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। और हिंसा की चर्चा राजनीतिक दल के दायरे में करने से नुकसान होता है। हिंसा का पूरी तरह विरोध होना चाहिए, इस दल की हो, उस दल की हो, मरने वाला इस दल का हो, उस दल का हो, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। कर्नाटक में भी हमारे कई नौजवान साथियों ने अपना जान गंवा दी है, मेरी उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। लेकिन लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए हिंसा के प्रति हर राजनीतिक दल में एक विरोध का भाव होना चाहिए, हिंसा के प्रति विरोध का वातावरण होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी बदले की भावना के बिना जिस तरह से मनोयोग से लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए चुनाव के मैदान में जुटे हैं, हम सब ने देखना चाहिए, लोकतंत्र पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। थैंक यू तेजस्वी।